देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। नवादा में ई रिक्शा पलटने से 5 नव नियुक्त बीपीएससी शिक्षक जख्मी हो गए, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घायलों में एक शिक्षक व 4 शिक्षिकाएं शामिल है। सभी जख्मी शिक्षक खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के सिस्मा पुल के समीप घटी है, जहां अनियंत्रित ई रिक्शा पर सवार 5 नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक अपने विद्यालय जा रहे थे, तभी विद्यालय पहुंचने के 1 किलोमीटर पूर्व भी ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना के बाद सभी शिक्षक जख्मी हो गए, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 जख्मी शिक्षक एक ही विद्यालय मध्य विद्यालय पचड़ा में कार्यरत है। घायलों में नालंदा जिले के बिहार शरीफ निवासी इसिता कुमारी, चंडी निवासी नूपुर कुमारी, करीगांव के प्रियंका कुमार, नवादा के औरैना निवासी रवि रंजन कुमार एवं जमुई के आलिया बिन जाहिद शामिल है। नवादा जिले से सुजीत कुमार संग अनिल शर्मा की रिपोर्ट। कैसे क्या हुआ है? मैं तो विद्यालय में थी, आदर्श मध्य विद्यालय पचारा। मेरे विद्यालय के जो नवनियुक्त शिक्षक है, सभी टोटो से आ रहे थे। आने के दरमियान में स्कूल से आधा किलोमीटर पहले टोटो पलट गए, सारे शिक्षक घायल हो गए। उनको लेकर हम लोग सदर अस्पताल में आए। कितने लोग जख्मी हुए हैं? 4 महिला शिक्षिका थी, एक मतलब कुल 5 लोग हैं टोटल। 5 कहाँ पर घटना घटा है? घटना घटा है ये क्या कहते हैं, सिसवा पार करने के बाद एक पुल आता है, उसके जस्ट बाद मेरा विद्यालय का गांव है पचारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधा कुमार। क्या है आप? मैं विद्यालय की प्रिंसिपल हूँ।